आज हम बनाएंगे हॉट एंड स्वीट चिली सॉस। इसे बनाना बहुत ही आसान है। घर की सामग्री से ये सिर्फ 10 मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा। वेलकम टू मिमीज़ कुकबुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल बटन को जरूर से क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सॉस बनाने के लिए पहले हम सारी सामग्रियों को मिला लेते हैं। 1/4 कप चीनी लेंगे, 1/4 कप विनेगर ऐड करेंगे, 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 1/4 कप ले रही हूँ, इसलिए मैं 2 बार पानी ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स अवेलेबल ना हो तो सूखी लाल मिर्च को थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लीजिए और मिक्सी में ग्राइंड करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। 1 टीस्पून टोमेटो केचप डालेंगे। अब गैस चालू करेंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिक्सर में उबाल आने देंगे। अगर आप लहसुन खाते हो तो 2 से 3 कलियां लहसुन की बारीक काट के ऐड कर सकते हो। मिक्सर में उबाल आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। कॉर्नफ्लावर मिलाने से सॉस हमारा गाढ़ा बनेगा। सॉस को उबलते हुए 4 से 5 मिनट हुई है, मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब जो हमने कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाया था उसे एक बार वापस अच्छे से मिला लेंगे और इसे ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिलाकर उबालेंगे। ये हॉट एंड स्वीट चिली सॉस बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप ज़रूर से ट्राई करें, घर में सबको बहुत ही पसंद आएगा। इसे आप कोई भी स्टार्टर के साथ, फ्रेंच फ्राइज, पकोड़ा, पूरी के साथ सर्व कर सकते हो। ये देखिए हमारा सॉस थिक हो गया है। ठंडा होने के बाद ये और घट्ट हो जाएगा, इसलिए गैस की फ्लेम को मैं बंद कर रही हूँ और इसे सर्विंग बाउल में ले लेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा थिक लगे तो गर्म पानी डाल के आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।